आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ताकि आप शुरू में ही ये डिसाइड कर सकें कि आपको वीडियो पूरा देखना है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI ग्राहक सेवा केंद्र के जो जिला सचिव हैं पूर्वी चंपारण बिहार के, उनका नाम मनीष कुमार है, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखेंगे और मैं उसी को स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उनका पहला पॉइंट था कि CSP के ID को लॉगिन करने के लिए जो OTP या फिर ID पासवर्ड से लॉगिन किया जाए, वो इनका पहल है। दूसरा है ग्राहक का जो भी बैलेंस इंक्वायरी होता है मिनी स्टेटमेंट, वो बायोमेट्रिक के बजाय डायरेक्ट वो हो जाए। और तीसरा इनका था कि सोशल डिस्टेंस में प्रशासन के द्वारा भी कुछ मदद किया जाए। और चौथा इनका पॉइंट था कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी सर्वर पर दिक्कत आ रही है SBI QoS के ऊपर में, उसके ऊपर में इनका भी पूरा स्पीच है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और इनका एक और कहना था कि आधार कार्ड से बहुत सारा अवैध रूप से जो निकासी हो रहा है ग्राहकों का, ग्राहक काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उसके ऊपर में जो भी कार्रवाई हो सके प्रशासन के द्वारा उन आधार वालों के साथ किया जाए, ना कि CSP वाले के साथ। बहुत जगह भी देखा गया है कि CSP भी इसके में बदनाम हो चुके हैं। और छठा इनका था इंश्योरेंस के सेक्टर में। 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ये पहला जो मुद्दा आप रखे हुए हैं CSP के ID को लॉगिन करने के लिए OTP ID पासवर्ड के माध्यम से, OTP या दोनों ऑप्शन दिए, OTP के माध्यम से कीजिए या ID पासवर्ड। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? मतलब हम लोगों तो फिंगरप्रिंट हम लोग तो हाथ नहीं रखेंगे, उससे तो हम लोग की दूरी बन गई ना। फिंगर पर जो बार 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 लॉग आउट हो रहा है, बार बार मैंने कस्टमर का रखवा रहे, फिर हम अपना उंगली रख रहे, दिन भर में 10 बार तो लॉग आउट नॉर्मल, 10 बार तो मिनिमम 10 बार नॉर्मल होना है पर डे। मान लीजिए सपोज डेट की, मान लीजिए कि कस्टमर रखता है, कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आया, उस पर उंगली रखा, अगर वो बायोमेट्रिक संक्रमित हो गया और उसके बाद फिर हम उंगली रख रहे हैं, तो फिर हम भी तो संक्रमित हो गए। और वो एक कस्टमर गया तो 10 कस्टमर 20 कस्टमर को हुआ, वो अलग चीज है। फिर हम अगर संक्रमित हो जाए तो हम लोग से भी तो बहुत एक अच्छा लंबा चेन बन जाएगा ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे अगर OTP हम लोग बायोमेट्रिक हटा दिया जाए लॉगिन के द्वारा, तो कुछ हद तक हम लोग सेफ रह सकते हैं, राइट? हम लोग सेफ हो जाएंगे और हम लोग के संक्रमित होने के बाद भी एक लंबा चेन जो बनेगा वो रुक जाएगा। एजेंट लोग काम करते हैं, हम लोग के ऑपरेटर जो भी काम करते हैं, वो अपना लॉगिन करते समय वो अपना चाहता है कि हम बायोमेट्रिक पे फिंगर नहीं रखे। हाँ, चलिए, ये पहल बहुत अच्छा रहा। अच्छा, दूसरा आपका इसमें सवाल था कि ग्राहकों का जो बैलेंस इंक्वायरी जो मिनी स्टेटमेंट है, उसका बायोमेट्रिक हटाने के लिए इसके ऊपर क्या मतलब, इससे क्या फायदा है? इसके फायदा ये है, कहता कि हमारा बैलेंस चेक कर दीजिए, हम लोग बैलेंस चेक करते हैं, उसके बाद बोलता है कि इतना निकाल दीजिए, निकासी करते हैं, तो 2 बार उसका फिंगर लीजिए, तो उसको लगता है। तो जैसे हम लोग निकाल दिए और स्टेटमेंट चेक किए तो बोल दिए कि आपके फलाना तारीख में फलाना जगह से इतना रुपए निकल चुका है, उसको बता दिए, ठीक है ना। लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाता है तो वो बोलता है कि ना हम एक बार उंगली रखल रही, हाँ एक दिन चेक कर ले रही, एक दिन निकाल ले रही, तो हाँ तो कई बार उंगली रखल दू, तो 2 बार तो उहे निकाल ले। मतलब इससे मिसमैच ज्यादा हो जाता है, लोगों का कहना होता है कि 2 बार फिंगर रखने का मतलब कि एक बार आप 2 बार फिंगर रखवा है तो यानी कि आप 2 बार पैसा निकाल ले। सबसे प्लस चीज ये है कि अगर बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट से अगर आपका ये बायोमेट्रिक को वहाँ से डिजेबल कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उससे ये समय का बचत ज्यादा होगा। समय का बचत ज्यादा होगा, ज्यादा कस्टमर का पेमेंट करेंगे और कस्टमर का पेमेंट करेंगे। आपका जो मेन समस्या है कि भीड़ इकट्ठा होना, वो आपका भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, यही ना? भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। ये भी पॉल बहुत अच्छा आपका है। अच्छा, तीसरा आप जो बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस में जो लोगों के लेकर के, मतलब कि आप चाहते हैं प्रशासन के द्वारा कम से कम 1 बार राउंड भी मार दिया जाएगा अगर CSP पर, दिन में अगर आकर 2-4 घंटे चला दिया, चाहे राउंड भी मार दिया, तो उससे लोगों में दहशत रहेगा कि हाँ भाई कोई कारण की दूर रहेगा, मैंने प्रशासन आई डंडा चलाई, तो डर रहेगा, एगो भय व्याप्त रहेगा, जिससे लोग दूरी बनाकर खड़ा रहेगा। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग अगर कितना कस्टमर को मना करते हैं लेकिन नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाता, अगर कोई अगर प्रशासन के कोई अधिकारी आकर के वहाँ पे अगर 1 बार अगर वहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ा होकर बोल दे तो भी मेंटेन हो जाएगा, उसका थोड़ा सा ज्यादा असर पड़ेगा जी। और जो भी सरकार का जो भी फंड आ रहा है उसको आसानी से लोगों तक आप लोग बांट सकते हैं, राइट? जी। अच्छा, चौथा हम लोग बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक जो भी आपके सर्वर के ऊपर जो समस्या आ रही है, इसके ऊपर में क्या मतलब आपका था? इसका मतलब यह है कि सुबह 7 से 10 के बीच में हम पर डे लगभग, मेरा एवरेज है 50 से लेकर 75 तक हम मतलब निकासी कर लेते हैं पर डे, 3 घंटा में। ओके, यानी कि घंटा घंटा का 25 हुआ, और 10 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक 25 ट्रांजेक्शन नहीं होता है। यानी कि ये लॉकडाउन से पहले से इस तरह से समस्या तो नहीं थी मेरे ख्याल से? नहीं, ये लॉकडाउन में ही ये समस्या आ रही है। लॉकडाउन में ये मतलब हो कि कस्टमर का भीड़ ज्यादा हो गया और सर्वर काम करना बंद कर दिया, यही ना? हाँ, उससे हम लोग बहुत मानसिक तनाव भी होता है, उससे हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित भी उस समय हो जाते हैं काफी रूप से। यानी कि जो काम 2 घंटा का उसको काम को दिन भर करना पड़ रहा तब भी खत्म नहीं, दिन भर करना पड़ रहा। हाँ, चलिए, ये भी पहल आपका बहुत अच्छा है और इस पे भी लोग अपना विचार देंगे, अपना राय देंगे।
और पांचवा आपका क्या था कि आधार कार्ड से अवैध रूप से ग्राहकों के द्वारा पैसा निकाले जाते हैं। हाँ, ये आधार पेमेंट वाले जो भी एप्स विड्रॉल वाले जो है ये लोग निकाल रहे हैं, जैसे उसका मैंने लगभग 50-100 कस्टमर का मैं प्रूफ भी रखा हुआ है, रखे हुए हैं उसका ये खाता उनका पासबुक का जीरोक्स रखे हुए हैं, प्लस स्टेटमेंट निकाल कर रखे हुए हैं और एक कॉपी कस्टमर को दिए हुए हैं, ठीक है ना। और हमने बोला कि आप जाइए, आपके खाते से इतना रुपए का ट्रांजेक्शन फलना फलना तारीख में हुआ है, आप किए हैं तो नहीं, तो हम कहेंगे आप जाइए और बोलिए कि अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो सर बोले हैं खुद वो लेकर साथ में जाएंगे और केस करवाएंगे, थाना में FIR करवाएंगे, मेरा पैसा दो। तो इस परिस्थिति में लगभग मेरे यहाँ जो घटना घटी है उसका 75% रुपया मैंने लौटा दिया गया, जो भी आधार पेमेंट वाले लोग रुपया निकाले हुए थे 5-7 लाख रुपए का मैटर था, जो वो लोग रुपया वापस कर दिए। बताइए इतनी तो अगर ये फंसा हुआ रहता तो फिर वो पेमेंट क्यों किए, अगर रुपया फंसा था तो फिर पेमेंट कैसे कर दिए वो लोग। अच्छा एक चीज और इसके ऊपर, मतलब मैं अपना मतलब राय ये देना चाहूंगा कि आपका इससे मतलब ये है, सबसे पहले कहीं ना कहीं तो कस्टमर की गलती होती है कि वो इधर उधर जाकर के पैसा निकालते हैं। अच्छा दूसरा चीज उसमें हमें एक चीज और ऐड किए हुए है, उसमें कस्टमर उसके बाद जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं फलां जगह से आपका रुपया निकला हुआ है, तो वो कस्टमर हमसे झंझट कर रहा है, बहुत कस्टमर जाकर थाना में भी सना दे रहा है या FIR कर रहा है, तो उस परिस्थिति में या मीडिया को दे दे रहा है, तो उस परिस्थिति में CSP बदनाम हो रहा है कि नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन पहले सबसे पहले अपने स्तर से उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद अगर मैं निकाला हूं तो हम पर कार्रवाई करे, जब मैं नहीं निकाला हूं जहां से निकला वहां पर कार्रवाई करे। और मीडिया आपका कहने का मतलब है कि इसका सही तरीके से जांच पड़ताल करके मतलब जो गलती किया उसको सजा दिया जाए, ना कि जो गलती नहीं किया उसके ऊपर उठाया जाए। हर सिद्धि में जैसे हुआ तुरकोलिया लिंक ब्रांच का एक हुआ और मीडिया में वो आया हुआ था, तो तरह से बदनाम हो रहे फिर आखिर जब जांच हुआ तो आधार पेमेंट वाला निकाला, तो फिर मीडिया ने पुनः उस चीज को क्यों नहीं निकाला कि जांच उपरांत पाया गया कि ये आधार पेमेंट वाले रुपया निकालेंगे CSP के द्वारा, इस चीज को मीडिया को दोबारा निकालना चाहिए। देखिए इस पे मेरा एक पहल ये है कि हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले कस्टमर को ये सोचना चाहिए कि हम जिस बैंक में जहां पे मेरा अकाउंट है वहीं से ले, दूसरे जगह से लेते हैं अगर वहां पे किसी तरीके कोई गड़बड़ी होती तो उसकी जवाबदेही उसकी खुद की होती है, ठीक है। और दूसरा चीज, दूसरा बात यहाँ पे ये हो जाता है कि आधार वाले भी अगर कहीं से पैसा का निकासी करते हैं तो इस तरीके से अगर अवैध निकासी, अभी गरीब का दो पैसा अगर गवर्नमेंट उसको मदद कर रही है, इसके ऊपर में गरीब लोगों को मतलब परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको बंद करने की जरूरत है, इसे अपने प्रशासन के स्तर से मतलब इसको अभी जांच की मतलब विषय है कि इस पे जांच किया जाए, राइट। हाँ सही सही सही। और छठा आपका एक मांग था लेकिन आप उसमें कह रहे थे, लेकिन इसमें आपका कहीं ना कहीं से ग्रुप में देखे हैं इंश्योरेंस के लेकर के, इसके ऊपर क्या आपका विचार है? देखिए हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब तो कमीशन मिलता नहीं है, अगर हम लोग के साथ कुछ भी हो जाता है तो हमारा परिवार तितर बितर हो जाएगा, और हम लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोग CSP के एक अंग है, SBI के एक अंग है, नहीं तो हम लोग को सरकार हम लोग को भी कुछ न कुछ एक बीमा की राशि ऐसी दे कि अगर हम लोग कल होकर रहे या न रहे तो हमारे परिवार को जीने में परेशानी न हो उस राशि से। आप लोगों को BC के माध्यम से तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के लिए कहा गया है मेरे ख्याल से। हाँ आया तो है, लेकिन हम लेटर मांग किए थे, उस लेटर हमको नहीं दिया गया। यानी कोई ऐसा, अगर मतलब ऐसा कोई ऐसा प्रूफ आपके पास नहीं है कि आप सिक्योर हैं, आपका इंश्योरेंस किया गया है? हाँ किया गया है कि नहीं किया गया है, हमने लेटर क्या मांग किया था कि जो लेटर इशू हुआ है उसके वो लेटर आप हमको दिनांक मांग दीजिए। आप ये चाहते हैं कि ऑन पेपर आप लोग अभी लिखित में आए, आप लोग हाथ में आए ताकि वो पेपर हम अपने परिवार को दे दे कि कल होकर हम रहे या न रहे तो वो उस पेपर के माध्यम से लड़कर और बैंक से मुआवजा ले सके। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि हम लोग तन मन धन से हम लोग भी अपना काम करते रहे और देश की सेवा करते रहे, क्योंकि हाई रिस्क पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा, ये आपका ये मतलब पॉइंट था जो आई होप कि आपका ये मतलब काफी लोग सुनेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सबके ऊपर में लोग अपना अपना कुछ कमेंट देंगे, कुछ राय देंगे, और उम्मीद करते हैं कि मतलब जो भी विचार है इसको आगे लेवल तक पहुंचाया जाए। थैंक यू। आई होप दोस्तों कि ये आपको ऑडियो क्लिप बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको इसमें जानने के लिए मिला होगा, बहुत आप लोगों को कुछ ना कुछ इस पर सुझाव देना होगा। सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपके राय होंगे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि उस राय को मैं आगे लेवल तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और वाकई में आप लोग काबिल तारीफ़, आप लोग वर्क कर रहे हैं, आप सल्यूट के लायक हैं, जो इस मतलब हालात में, इस सिचुएशंस में भी आप लोगों को घर घर तक मदद को पहुंचा रहे हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस गरीब मजदूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इसमें जो भी आप लोगों की मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है, और ये आपका हक है, और आपका ये आप लोगों के साथ में इस तरीके से ये होना चाहिए।
आपकी जो भी मांगे हैं मेरे तरफ से तो ये पूरा होना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं अगर इसको अगर हम लोग इसी तरीके से करते रहें काम को, तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट इस महामारी से लड़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में भीड़ इकट्ठा होएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होएगा, जिस कारण से इस बीमारी की लड़ाई में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे भी रह सकते हैं। सो हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कड़ी हो जिसके वजह से हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने में हम लोग पीछे रह जाएं। सो ऐसे बहुत जितने सारे ऐसे पॉइंट्स हो जो हमें लगता है कि हमारे देश में इस महामारी से लड़ने में हमें पीछा कर रहा है, वैसे काम को हम लोग नहीं करें, और जो भी आपकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। सो मेरे तरफ से पूरा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। स्पेशल कस्टमर भी अगर आपके इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी समझे कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए भी ये हड़ताल कुछ दिनों के लिए किया गया है, तो उनकी भलाई के लिए है ताकि वो भी सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, छोटे छोटे बच्चे लेकर के भी सेंटर पर लोग खड़े रहते हैं दिन भर, वो भी सुरक्षित रहे, उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें। आई होप दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।